ओम शांति। 6 दिसंबर, साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भाव और मध्याजी भाव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परमधाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह न सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी है यह कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तभी आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है, यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम, यह महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच, अब एक ओंकार यह तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सद्गुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रविष्टता नहीं होती तो यह कौड़ी तुल्य है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परमपिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता न हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं, इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां यह पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है, शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं, लॉ मुजब चलता है। वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु
वहां विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं, तब वहां पैदाइश कैसे होती है? बोलना चाहिए, वहां योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता, इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, यह सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं, यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडव कौरवों की लड़ाई है नहीं। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता नहीं। वहां थोड़े ही रावण का भूत बनाकर जलाएंगे। भूत चित्र कैसे कैसे बनाते हैं, ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं। यह भी नहीं समझते पांच विकार स्त्री के हैं और पांच विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं, जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं है। बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवेड भी है तो कोई कम प्यारे भी है। जितना सिकिलधा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहां भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं, ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? ये बातें बड़ी गुप्त हैं। कृष्ण को तो गाली मिल न सके। कहते हैं भगवान यह नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो ही यह कि गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मुंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। ये बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई के बुद्धि में यह बातें आती नहीं है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चे यहां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती है, खून से भी लिखती है। एक कथा भी है ना, कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने
अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। यह लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते। बाबा कहते, मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, आश्चर्यवंत बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर फार्गति देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिख कर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात यह भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं, अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं, यह पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किराएदार है, मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं, मैं यह तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना, मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले जागृत करने वाले हो, और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जागती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो, इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मनमना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है, इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद एक की श्रीमत पर चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कुटने की दरकार ही न पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, न मन न चित हमको थोड़े ही पता है, हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं, तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ, जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था, सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना, सभी निधन के बन पड़े हैं। ये बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता
उनको भी फारगति दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परमधाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है, तत्त्वम तुम भी वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आप ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो, कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए या इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े ते बड़े यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नयनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाप से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं, उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना। पांच विकार दान में दे, फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन, सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन, सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, पुरानी देह व दुनिया के सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। विस्तार है, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.